सबसे पहले आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आज पार्ट वन, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बेसिक में तो मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए आज हम पार्ट वन शुरू करने वाले हैं, और पार्ट वन में भी मैं आपको बेसिक मैथ से लेके आपको हाई लेवल तक आज बताऊंगा। उसके बाद कुछ और सवाल बच जाएगा जिसको पार्ट टू बताया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक पे, और मैथ की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको भी पहले भी बता दिया है, और आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट पार्ट वन। तो सबसे पहले उसको शुरू करने से पहले मैंने आपको जो कल दो सारणी दिया था, उस दो सारणी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो दो सारणी आपको मैं आज फिर से देने वाला हूँ, और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो सारणी में मैंने आपको आज छांटा है, और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगा कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और स्पेशली आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को छटा हूँ सारणी से, और वो दो सारणी भी मैं आपको प्रोवाइड करा था। तो सबसे पहले आप दो सारणी देखिए, आपके सामने ये सारणी है, फर्स्ट सारणी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए सेकंड सारणी देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप दोनों सारणी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर सारणी करें तो वीडियो आप पॉज कर दीजिए सारणी के पास, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया, और मैं आज मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, और उसके साथ मैं आपको सवाल भी बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो बताया था, तो आज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको आज मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे एक नंबर पर आता है जो आपको भी हिंदी में कहा था ब्याज छमाही, यानी अर्धवार्षिक उसको बोल सकते हैं। अर्धवार्षिक को ही हिंदी में छमाही बोला जाता है, मतलब छः महीना ही रहता है, सिक्स मंथ रहता है। अब कभी भी अगर आप कोई सवाल देखेगा तो आपको वार्षिक नज़र आएगा कि वार्षिक ब्याज की दर से आता है। वार्षिक मतलब हुआ कि आपको 12 मंथ रहता है, 12 मंथ का रहता है, लेकिन जब आप छः माही बोलिए मतलब छः मंथ का, तो छः माही में क्या होता है, जब आपको समय जो होगा जब 12 मंथ का होता है उसको छः ही मंथ कर रहा है, तो उस समय आपको रेट क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है, मतलब 12 का 6 हो जाता है, रेट हाफ होता है परसेंटेज, मतलब आर आपको इस कंडीशन में रहेगा। अगर 10% वार्षिक ब्याज दिया है तो वो 5% रहेगा। चलिए सेकेंड बार फर्स्ट पॉइंट ये हुआ आपको, सेकेंड पॉइंट आपको होता है तीन माही। तो आपको पता है वार्षिक मैंने बोल दिया आपको 12 मंथ्स का होता है, एक बार एक साल आपको 12 मंथ का होता है, तो उसमें अगर तीन माही बोल दिया मतलब तीन मंथ हुआ, तो आप सोच सकते हैं इससे गुना गुना चार गुना बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपको आर जो हो जाएगा आर बाय 4% हो जाएगा, मतलब रेट आपको 4% हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें समय जो होता है छः माही में समय आपको दोगुना हो जाता है, क्योंकि 12 मंथ का है हम 6 ही मंथ का ले रहे हैं, तो समय आपको दोगुना हो जाता है, एंड टू एंड हो जाता है। और इस कंडीशन में आपको तीन माही में एन कितना हो जाएगा, तब जब ये आर बाय 4 है, ये आर बाय 2 है तो 2n हो गया, अगर ये आर बाय 4 है तो आपको कितना 4n हो जाएगा, ये आपको 6 माही और 3 माही का। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो आपको मेन पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट भी देखिए, आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और सब पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, और मैंने आपको जो सारणी प्रोवाइड किया है वो सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट विथ मैथमेटिक पे आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा, आपको आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें ज्वाइन के लिए कोई फीस नहीं है उसमें। तो ऑटोमेटिक देखिए, तो तीन नंबर में आपको क्या कहता है, तीन नंबर का पॉइंट कह रहा है कि पहले वर्ष में आपको R1%, तो पहला वर्ष इसलिए R1%, दूसरा वर्ष में R2% तथा तीसरा वर्ष में R3% अगर हो, अगर दर अगर R3% हो तीसरा वर्ष में, ये तीनों अगर हो तब आपको मिश्र धन क्या होगा, तब मिश्र धन आपको, जिसको मिश्र धन को आप अमाउंट इंग्लिश में कहते हैं, जिसको आप ए कहते हैं शॉर्टकट में, तो इस बार ये क्या हो जाता है, P × 1 + R1 by 100 × 1 + R2 by 100। फॉर्मूला हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, 1 × 1 + R3 by 100, मतलब सिर्फ R1, R2, R3 लगा हुआ, और मूलधन आपको पता ही है P होता है, P आपको क्या है, मूलधन है, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, तो आप वो ऑफिस का प्रिंसिपल मत समझ लीजिएगा स्कूल का, बल्कि ये मैथ का प्रिंसिपल है जिसको आप मूलधन कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल जी को
आप कॉमन ले लिए हैं तीनों में, तीनों में आता है पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होता है, पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड, पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होता है। तो उस कंडीशन में तीनों को अगर कॉमन ले लिए तो ये तीनों में आ गया, क्योंकि तीनों गुना में है तो ये तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, मतलब तीनों गुना में आ जाएगा। तो ये आपको होता है, इस कंडीशन में आप मिश्रित धन ऐसे निकाल सकते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में आपको 10%, और तीसरे वर्ष में आपको 15%, ऐसे कुछ करके बोल दिया जाएगा। तो आप उसमें खाली ये बैठा दीजिएगा, 5-10% बैठा दीजिएगा, और मूलधन आपको दिया रहेगा कि इतना रुपया है। जब तक आपको मूलधन नहीं दिया रहेगा, ये सिर्फ आर1 बैठाने से आपको मान नहीं निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन M1 वर्ष में, कोई धन T1 वर्ष में M1 गुना हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज की दर से कोई धन, धन आप किसको कह सकते हैं, P को कह सकते हैं। कोई धन क्या होता है आपको कि T1 वर्ष में क्या हो जाता है आपको, M1 गुना हो जाता है। तो उसको कहता है अगर M2 गुना होने, मतलब आप मान लीजिए T1 मान लीजिए, समय मान लीजिए 2 वर्ष दिया, 2 वर्ष में कोई धन मान लीजिए ये 500 है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है M1 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए अगर M1 हम अगर 2 बोल दिए, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा M1, तो M1 क्या हो जाएगा 500 गुना 2। M1 जानते हैं ना आप, M1 में आपको क्या बोला कि इतना वर्ष में M1 गुना हो जाता है, मतलब ये गुना है जितना गुना, 500 का 2 गुना कितना होगा 1000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो M2 गुना कब होगा, किस कंडीशन में आपको M2 गुना, मान लीजिए M2 मतलब 4 गुना, मान लीजिए मान लेते हैं कि 4 गुना, तो 4 गुना किस वर्ष में हो जाएगा आपको, कितना वर्ष, जब T1 वर्ष में आपको M1 गुना हो जाता है तो M2 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, तो उस वर्ष को निकालने के, तो T2 वर्ष लगेगा, T2 वर्ष लगेगा, तो T2 वर्ष बराबर निकालेंगे कैसे, T2 वर्ष बराबर निकालेंगे इसे, T2 बराबर M2 माइनस 1 बट्टे M1 माइनस 1 इंटू T1, क्योंकि मैं आपको T1, M1, M2 तीनों दिया रहेगा, आप इस पर आराम से बैठा के T2 आपको निकल जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कितना वर्ष में हमको M2 गुना हो जाएगा। देखिए पॉइंट साधारण है, पॉइंट कोई भी हार्ड नहीं है। अब मैं आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लूँगा, 1-2 पॉइंट और लूँगा, ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं लूँगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मैंने बेसिक भी और आपको बताऊंगा, जो बेसिक आपको छूट गया था, मिस्टेक से छूट गया, मैं आपको सारणी को जब अध्ययन किया हो तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं ये सारणी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये सारणी आप समझ गए। चलिए सारणी में मैंने आपको सारणी के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, ये एक भी सवाल सारणी के नहीं है, आप देख लीजिएगा ये सवाल आपको चारों एक साइड से है दिया हुआ सारणी का, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट सारणी की तरफ चलते हैं। तो पाँचवा पॉइंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यदि कोई ब्याज की दर से, यदि ब्याज की दर आपको R1% से R2% हो जाए, बढ़ेगा या घटेगा, दो ही कंडीशन होगा। तो R1 से अगर R2% अगर आपको ब्याज हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि टी समय में आपको M रुपया अधिक हो जाता है। तो जब इस कंडीशन में अगर टी समय में मतलब टी कोई समय है 10 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कोई समय होगा, तो टी समय में आपको जो एम रुपया अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में आपको मूलधन क्या होगा, उस कंडीशन में अगर आप मूलधन निकालिएगा तो आपको मूलधन हो जाएगा एम, जितना रुपया अधिक हुआ उतना, उसके बाद जो रेट चेंज कौन हुआ, R2 हुआ है, और पहले वाला क्या था, ये बाद वाला है, जो R2 है वो बाद वाला है, पहले वाला R1, पहले रेट R1 था और R2 हो गया, तो R2 माइनस R1 गुना क्या हो जाएगा, 100 दे दीजिए और क्या हो गया टी, 100 क्यों दे, क्योंकि आर प्रतिशत है, फिर 100 दिए, 100 और टी आपको समय, ये आपको फॉर्मूला होता है। इतना बेसिक लेवल से अगर आपको समझाया जाए तो आप नहीं समझिएगा, आप सोचिए कि अगर इतना बेसिक लेवल से बताने पर आप कैसे नहीं समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए तो ये आप समझ गए कि मूलधन इस कंडीशन में क्या होगा, मूलधन जो होगा वो आपको M/R2 - R1 गुना 100/T हो जाएगा। ये आपको पाँचवा पॉइंट होगा, और मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा उसके अलावा, उसके बाद हम चलेंगे सवाल की तरफ, आप सब्र रखिए, आपको सवाल की तरफ भी ले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट की तरफ। 6 नंबर का, यदि कोई धन आपको पी हो सकता है, पी होगा यदि कोई, लेकिन इसमें पी का कोई यूज नहीं है। यदि कोई धन आपको टी समय में एन गुना आ जाता, टी कोई समय है मान लीजिए 5 वर्ष हो जाएगा, एन मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है एन,
मतलब इतना गुना बढ़ जाता है। यदि कोई धन आपको टी समय में एन गुना हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको आर प्रतिशत मतलब दर प्रतिशत रेट परसेंटेज क्या होगा, रेट परसेंटेज आपको क्या होगा, ये एन जो है एन माइनस वन हो जाएगा गुना, और गुना हो जाएगा हंड्रेड बाई क्या हो जाएगा ये समय जो है समय, तो ये आपको होता है। इसी में एक और है सात नंबर पॉइंट भी देखिए सवाल से, मैम आपको क्या बोले कि यदि कोई धन आपको टी समय में एन गुना हो जाता है, कोई धन आपको बोले टी समय में एन गुना हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये होगा। लेकिन अगर बोल दे यदि कोई धन आपको टी समय में सॉरी टी समय में हाँ सॉरी टी समय में कोई धन नहीं होगा, इस कंडीशन में आपको ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज अगर जानते भी हैं ब्याज को आप सिंपल इंटरेस्ट कहिएगा। यदि कोई धन यदि कोई ब्याज आपको टी समय में अगर एन गुना हो जाता है तो देखिए सवाल सेम है लेकिन यहाँ क्या धन बोल रहा है लेकिन ब्याज बोल रहा है, यहाँ पे ब्याज चेंज होगा, ब्याज आपको एन गुना हो जाएगा। यदि कोई ब्याज आपको टी समय में एन गुना हो जाएगा तो उस कंडीशन में आर प्रतिशत जो आपको होगा वो मात्र होगा एन गुना हंड्रेड बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, एन गुना हंड्रेड बाई टी आर प्रतिशत आपको हो जाएगा। ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अब मात्र दो पॉइंट एक पॉइंट और लेंगे और एक पॉइंट के अलावा अब नहीं लेंगे, उसके बाद हम सवाल शुरू करने वाले। कोई नगर कोई जनसंख्या जहां का भी आप जनसंख्या ले लीजिए, अगर उस समय आपको बोल दिया जाए कि यदि किसी नगर की जनसंख्या अगर आर प्रतिशत बढ़ रही है, आर प्रतिशत आपको प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो उस कंडीशन में आपको टी वर्ष बाद मतलब इतना वर्ष बाद आपको जनसंख्या क्या होगा, आपको रेट दिया हुआ है, आप ये आप नोट करिए आपको दिया हुआ है। यदि किसी नगर की जनसंख्या क्या हो रही है आपको आर प्रतिशत बढ़ रही है, आर प्रतिशत क्या हो रहा है बढ़ रही है, कब बढ़ रही है टी समय में बढ़ रही है, आपको नगर का जनसंख्या कितना आर प्रतिशत बढ़ रहा है मतलब कोई परसेंटेज होगा कितना 10% 20% बढ़ रहा है नगर का जनसंख्या जितना होगा उसमें से आर प्रतिशत बढ़ रहा है, और टी समय में वो टी समय मतलब बोल देगा आपको दो वर्ष, टी समय मतलब दो वर्ष तीन वर्ष जो भी बोल जाएगा आपको, तो इतना समय में आपको उस नगर का जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको कोई ज़्यादा झेल नहीं है निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा नगर का जनसंख्या आपको दिया रहेगा ये पी हो जाएगा मूलधन पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड, और इसका समय जो है आपको जो समय होगा कितना वर्ष में बढ़ रहा है कितना मतलब कितना वर्ष बाद जनसंख्या निकाल रहे हैं, हमको पता है कि इतना वर्ष मतलब इतना जनसंख्या है और आर प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और टी समय में आपको कितना हो जाएगा जनसंख्या मतलब दो वर्ष के बाद आपको कितना जनसंख्या होगा तीन वर्ष के बाद कितना जनसंख्या हो जाएगा ये आपको बताना है, तो इस फॉर्मूला में मतलब आप पुट कर दीजिएगा बढ़ रहा है तो प्लस, अब जब बढ़ रहा है तो घटने का भी बता देते हैं उसमें क्या होगा, मात्र एक पॉइंट मैंने आपको बोला लेकिन दो पॉइंट बता रहा है इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए आपको बढ़ रहा है अगर घटेगा तब, अगर बोल दिया किसी नगर की जनसंख्या आर प्रतिशत क्या रही है घट रही है आर प्रतिशत घट रही है तो आपको टी समय में इतना वर्ष बाद दो या तीन वर्ष बाद जितना वर्ष बाद आपको जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको जनसंख्या कैसे निकलेगा, जनसंख्या निकलेगा पी इंटू वन माइनस हो जाएगा आर बट्टे हंड्रेड इन पावर टी, आप फॉर्मूला आप सिर्फ बैठा दीजिए आर आपको आर दिया रहेगा कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है और कितना समय में बढ़ रहा है आपको निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम पॉइंट नहीं बताएंगे, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन मैं आपको इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया, ज़्यादा पॉइंट बताने में आपका समय वेस्ट हो रहा है, तो चलिए अब हम आपको सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ सवाल लेते हैं उसके बाद मैं आपको पार्ट टू में सारा सवाल का एक्सप्लेनेशन, इसमें ज़्यादा आपको सवाल नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें लगता है और इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको अपना समय एडजस्ट करके हाँ आप लोग, लेकिन अगर आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप लोग अपना रूटीन बनाइए, रूटीन के हिसाब से आप लोग चलिए क्योंकि रूटीन आपके लिए बेस्ट होता है। तो चलिए अब हम सवाल को शुरू करने जा रहे हैं, देखते हैं अब अपना साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बाद अब चलते हैं सवाल की तरफ, तो सबसे पहले हम जो सवाल लेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जब आप बेसिक मैथ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप जाके देख लीजिए, बेसिक मैथ आपके ज़रूरी है। चलिए आज कुछ ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, कुछ ही सवाल लेंगे और सवाल के साथ देखेंगे। सवाल में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर ब्याज छमाही होता है उसमें क्या होता है रेट हाफ हो जाता है और समय आपको दोगुना हो जाता है, उसी बेसिस पर ये सवाल जो आपको सामने दिया हुआ है
क्या कर रहा है, यदि ब्याज छमाही हो तो 8,000 रुपया क्या वार्षिक ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक पूर्णांक एक बटे दो का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालने। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI माइनस SI का क्या बोल रहा है, मान निकालने। CI RSI का मान निकालने बोल रहा है। आपको मूलधन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिए। मूलधन यानी P आपको दिया हुआ है 8,000। R आपको क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज आपको छमाही है तो आपको रेट आधा हो जाता है, तो 10% है तो 10/2 हो जाएगा, बराबर 5%। समय क्या हो जाएगा आपको, समय यानी टी आपको समय क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक एक बटे दो मतलब 3/2। और इसका दो गुना हो जाता है समय का, समय आपको क्या छमाही में क्या होता है, समय दो गुना हो जाता है, दो कट गया हुआ था कितना, तीन वर्ष हुआ। तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज पता नहीं है, चलिए निकल के आगे समय आपको इतना है, हाईलाइट कर देता हूँ, समय इतना है और रेट आपको कितना है, इतना है। तो चलिए, और मूलधन आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको SI निकालिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P×R×T/100, मतलब मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है। चलिए इस पर मान बैठाते, तो मूलधन आपको 8,000 दिया हुआ है, गुना दर कितना हुआ 5, और गुना समय कितना हुआ 3 वर्ष दिया हुआ है, नीचे में 100 हो जाएगा। तो ये अगर आपको हो गया, ये 0, ये दोनों 0 कट गया, ये आपको गुना हो जाएगा, 5 × 15 हुआ 15×8 = 120, ये 0 कट जाएगी, सभी को गुना कर दीजिएगा, ये होगा 80×50 कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा, और 400 को 300 गुना कर दीजिएगा, 4×3 = 1200 हो गया, 1200 आपको क्या हो गया, SI हो गया, 1200 आपको SI हो गया। चलिए अब CI निकालने से पहले आपको क्या चाहिए, आपको पता है अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ए चाहिए आपको, चक्रवृद्धि मिश्रधन जो ए है वो आपको क्या होता है, P×1+R/100, आप पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है, तो समय के लिए पावर n हो जाएगा, तो उसमें t है तो क्या दिक्कत है, ये इसमें n होगा, तो p आपको कितना है 8,000 है, 1+ और रेट क्या है आपको, रेट आपको कितना है 5/5 है, 1/100 हो गया, पावर क्या है 3 हो गया आपको, पावर 3। चलिए तो 8,000 रहेगा, दोनों का लघुत्तम निकाल के नीचे 1 रहेगा, 100 रहेगा, अगर नीचे मान लीजिए 100 अगर लघुत्तम निकाल दिए तो क्या होगा, 100 का 100 तो 100 का 100 ही हो जाएगा, और +5 हो जाएगा, मतलब 105/100 हो जाएगा, दोनों का क्रिया करने के बाद 105/100, पावर कितना है 3 है, समझ गए आप। चलिए तो इतना हो गया आपको, चलिए इतना उसको सोल्व करना है, अभी आपको अभी सोल्व करने का समय है, सबसे पहले आपको सोल्व करना है, तो 8,000 का 8,000 ही लिख दीजिएगा, और इसको जो काटिएगा क्या होगा, 5 से 21 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 21/20 का क्या है क्यूब है ना, मतलब 3 बार लिखाएगा, सॉरी ये 8,000 है आपको, 8,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, 0 0 0 3 2 0 कट गया, और दुका 2 4 2 8 8 कट गया, ये आपको क्या गया 21 ऐसे करिएगा आपको 9,261 होगा, कितना होगा 9,261, ये आपको क्या निकला, ये प्रक्रिया करने के बाद आपको जो निकला है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, सॉरी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला है, ये मतलब मिश्रधन अमाउंट होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला है तो अब हमको क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है आपको क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाता है, मूलधन क्या माइनस पी, मतलब CI बराबर MSP, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब मूलधन होता है, ये मैंने आपको बेसिक में सब कुछ बता दिया है एक्सप्लेनेशन करके, बार बार नहीं बताने की जरूरत है, आप ही का टाइम जाया होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो बेसिक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। तो मिश्रधन में मूलधन, मिश्रधन आपको कितना निकला हुआ 9,261, में मूलधन है 8,000, इसको घटाइएगा कितना 261 होगा, 261 क्या निकला आपको, CI निकला आपको 261 निकला है, 261 सॉरी 1,261 1,261 निकला है। चलिए तो आपको क्या पूछ रहा था, CI माइनस SI का अंतर पूछ रहा था ना, तो CI माइनस SI बराबर क्या होगा, तो CI आपको कितना है 1,261 माइनस SI आपको कितना है, सॉरी SI देख लीजिए, आपको SI आपको निकला हुआ यहाँ पे SI 1200 है। तो आपको फंडा समझ में आया, बिल्कुल समझ में अभी आएगा, नहीं आया तो भी, तो आपको कितना हो गया, ये
1261 में से अगर 1200 गया तो 61 हो गया आपको, 61 क्या हो गया आपको, सी आई आर एस आई का अंतर। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले इसमें बात क्या है, सबसे पहले बात क्या है कि हमको मूलधन दिया हुआ है, छमाही जो ब्याज था तो उसके लिए क्या रेट आधा होता है और समय दोगुना हो जाता है, हो चुका है। चलिए उसके बाद हमको क्या था, सी आई एस आई निकालना था, तो पहले एस आई देख लेंगे क्या है, एस आई तो हमको निकालना पड़ेगा। एस आई आपको पी इंटू आई इंटू टी होता है, तो सब पे मन बिठा दिए, काट दिए इसको, 1200 निकला। चलिए उसके बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले चक्रवृद्धि मूलधन निकालना पड़ेगा, जिसको आप ए कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट निकालने में क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 हो जाता है, तो 8000 होगी, इसका मान है 1+5/5, आर क्या है 5 है ना, तो 5 लिख दिए, और एन आपको 3 है तो 3 लिख दिए। ये समय इसके लिए देखिए आपको बता दिए, साधारण ब्याज में इस समय को टी से और चक्रवृद्धि ब्याज में समय को एन से डिनोट किया जाता है, तो एन से डिनोट किया गया है, पावर 3 हो गया, पावर 3 ऐसे कर दिए हैं आपको, 8000 गुना एक यहाँ काट दिए 21/20, तो सब का पावर 3 है ना, मतलब 21/20 आपको 3 बार लिखाएगा, तो 8000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, तो 9261। ये आपको क्या निकला, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन जो आपको अमाउंट, अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो है आपको 9261 माइनस प्रिंसिपल क्या है 8000 है, तो दोनों को घटा देगा तो 1261 होगा। अब आपको देखिए, आपको पूछ ही रहा था कि सी आई माइनस एस आई, तो सी आई ये है एस आई ये है, तो सी आई और एस आई का अंतर पूछ रहा था, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज था चक्रवृद्धि मिश्रधन का, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज था साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज अतः साधारण ब्याज का अंतर हो गया ना 1261 में 1261 रुपया आपको हो गया। सिंपल लॉजिक है, सिर्फ समझने का देरी है, आप समझिए, आपको एक भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ समझने से होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जो आपको भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, स्टडी पॉइंट विथ मैथमेजिक टेलीग्राम चैनल का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आप सर्च नहीं करिएगा तो उस पर क्लिक करिएगा तुरंत मेरा खुल जाएगा। चलिए समझ गए, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और आपको आगे वाला सवाल देखते हैं, कुछ ही सवाल लेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, उसके बाद पार्ट टू में आपको सवाल का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। तो नेक्स्ट जो सवाल है आपके नीचे लिखा हुआ है, और सवाल आपको कह क्या रहा है कि कोई धन निश्चित दर से, जब दर आपको निश्चित क्या हुआ है तो दर की छेड़खानी नहीं करना है, कह रहा है कि कोई धन अगर निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो उसी दर से, उसी निश्चित दर से आपको कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो आपको क्या कह रहा है, देख लीजिए सवाल आप समझ लीजिए। कोई धन दिया हुआ है आपको, वर्ष कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो T1 है ना, तो T2 पूछ रहा है ना कितने वर्ष में होगा, तो T1 आपको कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 8 वर्ष में क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, तो आपको N1 दिया हुआ है, आपको बता दिए थे बेसिक में, बताए थे आपको ये क्या, कि आपको क्या N1 मतलब कितना गुना हो जाएगा, उसको क्या करते हैं N1 से डिनोट करते हैं, 8 वर्ष में कितना आपको 2 गुना हो जाता है, तो उसी को कह रहा है कि N2 मतलब 3 गुना होने के लिए आपको समय कितना चाहिए, तो T2 कितना चाहिए, T2 कितना होना चाहिए आपको, क्या होने के लिए, 3 गुना होने के लिए आपको क्या चाहिए, T2 कितना चाहिए, समय कितना चाहिए, समझ गए। चलिए सवाल को फॉर्मेट को अब बनाते हैं, तो सवाल का फॉर्मेट सबसे पहले आपको 3 वर्ष होने में, जो आपको 3 गुना होने में समय क्या लगेगा, 3 गुना होने में लगा समय, 3 गुना होने में अगर लगा समय, 3 गुना समय क्या लगेगा, समय क्या है आपको 3 गुना होने में, क्या T2 समय लगेगा, तो T2 समय क्या होगा आपको, सबसे पहले मैंने आपको जो बता दिया वो समझ लीजिए आप, N2 - N1 / N1 - तो आपको फॉर्मूला है N2 - 1 / N1 - 1 इंटू क्या है T1 आपको दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्मेट पे आपको बना देना है, N2 आपको क्या है 3 या माइनस 1 है, और N1 आपको कितना है 2 या माइनस 1 है, T1 कितना है 8, तो चलिए इसको बना, 3 - 1 गया कितना होगा 2, और 2 - 1 गया 1 × 8, तो 8 या कितना हो गया 16, मतलब आपको जो है ना 3 गुना होने के लिए कितना वर्ष चाहिए, 16 वर्ष चाहिए, आपको जब 2 गुना होने के लिए 8 वर्ष, 2 गुना होने के लिए 8 वर्ष चाहिए था, तो आपको 3 गुना होने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, 16 वर्ष चाहिए आपको, तो T2 समय आपको क्या हो गया 16 वर्ष, बस ये सवाल का फॉर्मेट है, इसी तरह आपको
समझना है सवाल को। तो चलिए आप कुछ और सवाल लेते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं आपको कैसा है। तो नेक्स्ट सवाल आपको 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि 20 वर्ष में कितने प्रतिशत सवाल नीचे लिखा हुआ है, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इस बार हमको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है कि, और आपको समय दिया हुआ है क्या, 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। एन अभी आपको दिया हुआ है, तो सवाल का सिर्फ फॉर्मेट आर कैसे निकालना है, सवाल का फॉर्मेट निकालना है एन माइनस वन इंटू 100 बाय टी, यही आपको सवाल पे बनेगा। तो एन माइनस वन, एन कितना है 2 माइनस 1, 100 का 100 ही रहेगा, और टी आपको कितना दिया हुआ, 20 वर्ष दिया हुआ है। तो आप देखिए निकालिए 2 माइनस 1 क्या, तो 100 बाय 20, तो 20 को 5 आर डिवाइड करें तो आर कितना हो गया, 5%। मतलब 20 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना प्रतिशत, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कोई भी धन हो, चाहे 8,000 हो, 10,000 हो, 12,000 हो, ठीक है, तो कोई धन क्या होगा अपने से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, समझे सवाल, फॉर बहुत ही आसान सवाल, और ये आपको दैनिक जीवन में आपको यूज होता है, ये चैप्टर भी आपको दैनिक जीवन यूज होने वाला है, जो आपको हर बहुत ही जगह काम आने वाला है। चलिए अब मात्र लास्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर का सवाल, बोले आपको पहले बोल दिए बेसिक में आपको ज़्यादा सवाल नहीं देखेंगे, तो चलिए 4 नंबर का सवाल। तो सवाल जो आपको कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल है, कह रहा है कि किसी भी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है, तो धनराशि क्या होगा। तो धनराशि अगर क्या होगा, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको बताए हैं SI - CI बराबर क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और आपको समय क्या हुआ दिया हुआ है कि क्या हुआ, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको दर क्या दिया हुआ है, R = 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, तो एन भी आपको दिया हुआ है क्या, 2 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 8 है, तो आपको धनराशि मांग रहा है, मतलब पी मांग रहा है। तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, SI - CI दिया हुआ है ना, तो आपको इस समय जो होगा मूलधन जो मांगना है, इसमें 1 P × 1+R/100 नहीं देंगे, सिर्फ R/100 देंगे और पावर n हो जाएगा, ये आपको फॉर्मेट होता है। इस कंडीशन में स्पेशल फॉर्मूला लगता है, स्पेशल कंडीशन में CI SI का अंतर 8 है और P आपको दिया हुआ ही नहीं है, R/100 R आपको कितना है 4 है, ये कितना है 100, और पावर कितना दिया हुआ है 2, इसको कटिएगा 25 से 100 हो जाएगा, 8 बराबर P / चलिए P है, 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। चलिए तो आपको इसके करने नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो P होगा, इसको करिएगा 8 से गुना, तो 625 गुना 8 कर दीजिए, आपको कितना निकल जाएगा P, 8 × 45 की 0 हासिल कितना बचा 4, 8 × 2 = 16, 4 × 20 की 0 हासिल 2, 2 × 8 = 48, 2 = 50। मतलब आपको 5000 धनराशि जो है, आपको धनराशि कितना है 5000 धनराशि है, तो 5000 धनराशि का आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 8 होगा, तो धनराशि क्या होगा आपको 5000 होगा, 5000 आपको आंसर है इसका, जो आंसर आपको ये सवाल आपको समझ में आ गया ना, सब कुछ दिया हुआ, बस उस पर क्या करना है, ये नहीं कि स्पेशल एक फॉर्मूला लगता है SI - CI = P × 1+R/100 की जगह क्या लगेगा R/100 का पावर n लग जाएगा, सिर्फ 1+8 जाएगा, सिर्फ ये सवाल आपको स्पेशल करने समझने, तो इसको आपको बनाना, और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दिया है मैंने बाबा करा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल और कंपोनेंट अगर पूरा आपको जानना है, तो इम्पोर्टेंट नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, मैंने दे दिया है आपको, और फिर मैं आपको दोबारा कल देने वाला हूँ, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, कल रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, तो इसको समझ में अगर आपको आ गया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस चीज़ से अपरिचित है वो परिचित हो सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको भी पता भी है कि मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको अपलोड करते रहता हूँ, और इससे पिछले मैंने शॉर्ट ट्रिक, मैंने 2-डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड कर दिया, और 3 डिजिट का मैं करने वाला हूँ, आप लोग चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारा सुविधा मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से,
आप ये ना समझे कि नया चैनल है क्या है, उससे आपको मतलब आपको कॉन्सेप्ट कैसा मिल रहा है ये आपको देखना चाहिए। तो चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।